नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जहां आप आज जानेंगे छत्रपति शिवाजी से जुड़ी अहम बातें, उनके इतिहास, उनकी कूटनीति, उनकी रणनीति से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आज आप देखेंगे। शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, जो कि डेकन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेकन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इन दो ग्रंथों की वजह से वो जीवन प्रयत्न हिंदू महत्वों का बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोणदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में, जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। 8 पत्नियां। उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए महाराज को 8 विवाह करने पड़े। सईबाई, निम्बालकर, बच्चे, संबाजी, सखुभाई, राणूभाई, अंबिकाबाई, सोयराबाई, मोहित, बच्चे, दीपबे, राजाराम, उत्तठभाई, पालकर 1653 से 1680, गुणवंताबाई इंगले, सगड़ूबाई शिरके, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, सकरावबाई गायकवाड़, कमलाबाई 1556 से 1680। सैनिक वर्चस्व का आरंभ। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिमी घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वो संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलो नाम देकर सभी को संगठित किया करते हैं और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़े तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का आरंभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहले दुर्ग तथा रोही द्वेश्वर का दुर्ग। दुर्गों पर नियंत्रण। रोही द्वेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद
तोरणा का दुर्गे जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वो पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हो, ये छत्र उन्हें सौंप दी जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था, शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तब वह शुभद हुआ। उसने शाहजी राज्य को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलो पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को उस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालू सरे ने कोंडाड़ा दुर्गे पर कब्जा कर उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोंडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीदारी दी गई और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकारी के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोनदेर के नेतृत्व में कोंकड़ के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकड़ सहित 9 अन्य दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया। यहां के प्रमुख की विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। शाहजी की बंदी और युद्ध विराम। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकुंडा का शासक था, और इस कारण आदिल शाह का शत्रु बीजापुर के दो सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वो शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। मुगलों की पहली मुठभेड़। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुड्डा तथा
रेसीन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। उसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गया। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। कोंकण पर अधिकार। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर इकट्ठा किया। कल्याण तथा भिवड्डी पर अधिकार करने के बाद वहां नौ सैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। बीजापुर से संघर्ष। इधर औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल शाह भट्टारी को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 12 लाख सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वो सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई शिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके माफर्त ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे और शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का जायजा लेने अफजल खान के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अंततः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खान को एक बहुमूल्य उपहार भिजवाया और इसी तरह अफजल खान को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के साथ जब दोनों मिले पर अफजल खान ने अपने कटायर से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खान को अपने वस्त्रों वाघ नखों से मार दिया। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजापुर तथा दाउल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद बुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुर सेना में पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वो भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया और श्रृंगार गढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्धि जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी से मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में गोड्डा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दाउल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो में हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी अहम बातों के बारे में, अहम लोगों के बारे में पूरी जानकारी जानें।